नमस्कार दोस्तों, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मैं हूं आकाश और आज हम बात करेंगे अयोध्या के दीपोत्सव के बारे में। दोस्तों, अयोध्या में 5,51,000 दीपक जलाए गए रामनगरी में, पहली बार ऐसा हुआ और गिनीज बुक में ये दीपोत्सव का नाम अर्जित हुआ। बहुत ही खुशी की बात है, मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि ये पहली बार हुआ और पहली गवर्नमेंट में हुआ। लेकिन योगी जी ने बोला, हमारा शासन राम राज्य का उदाहरण है, इससे मुझे प्रॉब्लम है और आप सबको भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्योंकि अगर राम राज्य होता तो दिन दहाड़े कमलेश तिवारी की हत्या नहीं कर दी जा सकती थी। आप सोचो, क्या ये राम राज्य का उदाहरण है जहां पे 15 अक्टूबर को 2 साल की बच्ची का हैवानों ने रेप कर दिया और रेप करके फेंक दिया, जहां पे दिन दहाड़े इलाहाबाद बैंक के मैनेजर को 3 लोग आके गोली मार के चले जाते हैं, जहां पे दिन दहाड़े रंगदारी के नाम पे वाराणसी, जहां पे मोदी जी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में रंगदारी के नाम से दिन दहाड़े लोग गोली मार के चले जा रहे हैं। शायद ये राम राज्य का उदाहरण नहीं है। राम के राज्य में मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने भी रामायण पढ़ी है, मैंने भी रामचरितमानस पढ़ी है, बट ऐसा कहीं पे भी वहां पे नहीं था। कमलेश तिवारी को दिन दहाड़े कुछ लोग आते हैं और हत्या करके चले जाते हैं। हमारे पास अगर दीपक जलाने के लिए पैसे थे, बहुत ही अच्छी बात है, जलाना चाहिए, हमें कोई समस्या नहीं उसको जलाने में, क्योंकि हम मानते हैं हमारे प्रभु राम सबसे बड़े हैं, हम सबसे बड़े हैं। लेकिन 25,000 होमगार्डों को तो निकालने से पहले सोचना था राम राज्य में कि उनके घर में दिए जले होंगे कि नहीं, पता नहीं। वैसे मैं कह सकता हूं उनके घर में दिए नहीं जले होंगे, क्योंकि एक होमगार्ड 10 लोगों का भरण पोषण करता है, 5 लोगों का भरण पोषण करता है। बहुत अच्छी बात है आप दिए जलाओ, बहुत ही अच्छी बात है आप राम की पूजा करो और धर्म में आस्था, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो धर्म की नगरी रही है। योगी जी ने तो खुद बोला, काशी अयोध्या और मथुरा सबसे प्रमुख स्थान पूरे विश्व में हमारे उत्तर प्रदेश में है, बहुत खुशी की बात है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय जो हालात है, क्राइम रेट है, वो इस तरीके से बढ़ चुके हैं कि हम राम राज्य तो नहीं करें। हम आपको बोलना चाहेंगे, हमारे यहाँ पे एक कंपनी नहीं है ठीक से जहां पे लोग आके काम कर सके। आप जिस स्टेट में जाइए वहां पे आपको उत्तर प्रदेश के लोग दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनके यहाँ पे रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारा प्रशासन, हमारी गवर्नमेंट, कोई तो है। क्योंकि वहां पे जब कोई भी छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करता है, थोड़े से पैसे पाता है, थोड़े से आमदनी स्टार्ट होती है, तो उसको फोन आने लगते हैं कि इतना रंगदारी चाहिए, इतना फंड चाहिए। कैसे कोई स्टेबल करेगा अपने बिजनेस को इस हालात में? राम राज्य में ये सब तो नहीं संभव है। थोड़े सोचने की जरूरत है। आप बताइए, क्या मैं राम राज्य बोलूं या नहीं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि मोदी जी बहुत ही अच्छे तरीके से भारत को विश्व गुरु के रूप में ले जाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। हो सकता है कागज पे यही हो, बट रियलिटी में क्या है, आपने देखा क्या? 50% से ज्यादा प्राइवेट नौकरी करने वालों को जॉब से बाहर निकाल दिया गया है, ये ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं। एक भी सरकारी नौकरी टाइम पे क्लियर नहीं हो रही है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ इस तरह से भागा जा रहा है कि लग रहा है पूरा रेलवे एक दिन में ही दे दिया जाएगा प्राइवेटाइजेशन। फिर वो प्राइवेट कंपनियां 10 वर्करों का काम एक वर्कर से कराएंगी और वहां पे बोलेंगी भी, क्या बोलेंगी, अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो यू कैन गो। शायद ये राम राज्य नहीं।
थोड़ी सी सोचने की जरूरत है। मुझे लगा कि मुझे भी आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। आप भी सोचिए और समझिए, आपको क्या लगता है आप अपने मत दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमें उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री चाहिए। आप गंगा की सफाई करो, मैं भी बहुत सहयोग करूंगा गंगा की सफाई करने, बहुत अच्छी बात है, पर हमें इंडस्ट्री चाहिए, पर हमें रोजगार चाहिए, पर हमें क्राइम बंद करवाना है, क्राइम नहीं चाहिए, पुलिस का डर चाहिए जो लोगों के अंदर है ही नहीं। आप बताइए क्या मैं गलत या सही? मुझे लगा तो मैंने आपके साथ शेयर करा, जैसे आपको लगा होगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।